नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां के लोगों की क्या राय है, खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर। इसे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में अगर चुनाव होता है नवंबर में, हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की जनता की राय क्या है, क्षेत्र में कैसे प्रत्याशियों को ये मौका देंगे, कैसे प्रत्याशियों को ये चुनेंगे। इस बार जो है खासकर चुनाव का अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी अगर चुनाव होता है तो कैसे प्रत्याशियों को इस बार आप लोग चुनेंगे? चुनाव होता है तो जो प्रत्याशी कर्मठ हो और संकट के समय देश का, राज्य का, अपने प्रखंड का विकास करे, वैसे ही प्रत्याशी को चुना जाएगा और हर कोई वैसे ही प्रत्याशी को चुनेगा। तो खासकर इस बार मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का, मुद्दा किस मुद्दा को बनाकर वोट करेंगे? मुद्दा तो हमेशा विकास का ही रहता है और समाप्ता इस बार भी वही विकास का ही मुद्दा रहेगा। वर्तमान के आपके जो विधायक हैं यहाँ के क्षेत्र के, उनके कार्यशैली से, उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट? नहीं। तो क्या लगता है इस बार जो है, खासकर यहाँ पे तो नीतीश जी के पार्टी से जदयू के यहाँ के विधायक हैं, तो क्या लगता है कि ठीक है नीतीश कुमार या होगा विचार? होगा विचार, जब समय आएगा तो होगा विचार। क्षेत्र में आपके विधानसभा क्षेत्र में एक नेता बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, मृणाल शेखर। पिछली बार वो बहुत कम मतों से पराजित हुए थे, तो इस बार क्या ख्याल है? अब वो समय आने के बाद ही जनता तय करेगा कौन अच्छा काम करता है, कौन सक्रिय रहता है। जो ज़्यादा सक्रिय रहेंगे वो फिर उनको मौका मिलेगा। कुछ और लोग हैं सर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? विकास और शिक्षा। और चुनाव का जहाँ तक सवाल है, आप इसके पहले बोल चुके हैं मृणाल शेखर इस क्षेत्र में, इस विधान ये नहीं बोले हैं कि मृणाल शेखर, मेरा मतलब ये था कि आपके क्षेत्र में वो हारने के बावजूद भी वो सक्रिय रहे हैं। रहे न, अभी भी रहे हैं, आते जाते रहते हैं हम लोगों के यहाँ। वो मृणाल शेखर से अच्छा कोई नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है भाजपा या नीतीश जदयू का, जदयू में अगर सीएम का नीतीश को हटा के दूसरा चेहरा आता है तो इसका सपोर्ट करेंगे, या दूसरा चेहरा नहीं आता है तो इसका हम विरोध करेंगे। अपने क्षेत्र से कैसे नेता को चुने? मृणाल शेखर जैसे नेता को। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो है हारने के बाद भी जो है हम लोगों के यहाँ जो है हिलता मिलता तरह के आते जाते रहता है, दुख सुख क्या है नहीं है, गाँव की समस्या को सुनते रहता है, कुछ करे या नहीं करे आते जाते रहते। हाँ, और जहाँ नीतीश का इसलिए विरोध किया कि वो शिक्षा के लाइन में और जातिवाद वो ज़्यादा करता है। नीतीश जो है जातिवाद और शिक्षा को लेकर डूब गया है। सर, इस क्षेत्र में मृणाल शेखर का नाम सामने आता है, ऐसा क्यों? पिछली बार हालांकि वो बहुत कम मतों से पराजित। क्योंकि वो जमीनी नेता है और बहुत अच्छा नेता है, और मृणाल शेखर जी को इस बार हम लोग फिर से, चाहे वो टिकट लेके आते हैं तो उनको फुल बहुमत और बहुत समर्थन देके जिताएंगे। नहीं भी आएंगे, अगर निर्दलीय से भी वो खड़ा होता है तो उसका हम सपोर्ट करेंगे। हम नहीं, हमारे क्षेत्र में सपोर्ट होगा उसका। सही बात है। कुछ और लोग हैं सर, क्या लगता है इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में कैसे प्रत्याशियों को आप लोग चुनेंगे और कैसे प्रत्याशियों को मौका देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे एक साथी भाई ने आपको बताया कि इस बार जातिगत मुद्दा की बात है। उसका मूलतः कारण जो मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से हम सबों को लगता है कि हमारे समाज को भी संगठित होना चाहिए, हमारे तरफ से भी एक ऐसा नेता होना चाहिए जो अपनी बातों को बढ़ चढ़कर लोगों को इंसाफ दिलाने में मदद करे। तो इस संदर्भ में इन्होंने अपनी बात को रखा था। और जहां तक रही विकास की बात या शिक्षा की बात रही, तो कोई भी ऐसा ही नेता होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को दूर करे, हमारी समस्याओं के साथ खेले नहीं। तो मुझे लगता है कि मृणाल शेखर जिस स्तर से अभी जमीनी स्तर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इससे काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है। उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी डॉक्टर प्रीति शेखर, उनका भी कार्यशैली और डॉक्टर मृणाल शेखर का भी जो लोकल स्तर पर कार्य रहा है, लोगों के बीच आना जाना, लोगों से मिलना, उनके घर में शरीक होना, तो हमें लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। मृणाल शेखर जी, बिल्कुल। नीतीश कुमार के 20 साल के राज में देख लीजिए हम लोग का वेटनरी हॉस्पिटल का स्थिति, दिखाइए कैमरा वाला, उधर देख लीजिए क्या स्थिति है। यही है नीतीश कुमार बिहार का स्थिति, देखिए कितना जर्जर बन गया हॉस्पिटल, आज तक इसका कुछ नहीं हो पाया है। नज़दीकी आपके जो वर्तमान के विधायक हैं, वो तो मरा हुआ इंसान है, कुछ नहीं है वो।
तो इस बार मुद्दा बदलेगा। उसको तो कभी दिए भी नहीं वोट, ना कभी देंगे। वो तो नीतीश कुमार उसको जोग रहा है, नीतीश कुमार अपना समझेगा। अगर नीतीश कुमार इस बार अगर वो गलती करेगा तो 10,000 वोट भी लाना मुश्किल हो जाएगा नीतीश कुमार को। सर क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? इस बार तो विकास का ही मुद्दा रहेगा और शिक्षा का ही रहेगा। जो भी विकास करेगा वही जीतेगा। और कैसे प्रत्याशियों को इस बार चुना? मृणाल शेखर, जब मेरे भाई वो लोग बोल दिए तो वही रहेंगे। मृणाल शेखर क्यों? मृणाल शेखर क्यों? क्योंकि वो अच्छे मतलब प्रत्याशी हैं और क्या विकास करते हैं, आके मिलते जुलते रहते हैं, इसीलिए वो जो भी है बेस्ट है। सर क्या मुद्दा रहेगा और कैसे प्रत्याशी? शिक्षा और विकास और प्रत्याशी तो मृणाल शेखर ही है। मृणाल शेखर क्योंकि वो जमीनी नेता हैं और हम लोगों से जुड़े रहते हैं, क्षेत्र से जुड़े रहते हैं और क्षेत्र के किसी भी कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं, इससे हम लोग मतलब जो है ना खुश हैं। इसलिए मृणाल शेखर को ही जो है वोट दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो जीत के आए हैं वो फिर दोबारा जीत के बाद आए नहीं देखने के लिए क्षेत्र को कि क्या है, नहीं है, हाँ है, इसलिए मृणाल शेखर। तो ये अमरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता थी और इनका साफ कहना है कि वर्तमान के जो विधायक हैं उनकी कार्यशैली से ये संतुष्ट नहीं है। जीतने के बाद वो कभी क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए नहीं आए हैं और साफ तौर